नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत इतिहास रचने से अब बस कुछ ही घंटे दूर है। इसरो का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 आज 23 अगस्त को शाम 6:04 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर एक नरम और सफल लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए यूपी के मठ मंदिरों में हवन पूजन हो रहा है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए चहुं ओर प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही पूजन और हवन किए जा रही है। राजधानी लखनऊ के राजेंद्र नगर में स्थित महाकाल मंदिर में मंगलवार से ही अभिषेक किया जा रहा है। बुधवार सुबह भी पूजन किया गया। उधर लेटे हनुमान जी मंदिर में भी हवन पूजन किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के लोग पंडितों के साथ ही चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक स्थापित होने की कामना कर रहे हैं। महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर के व्यवस्थापक अतुल मिश्रा ने बताया कि पंडित महादेव शास्त्री, पंडित गौरव मिश्रा, केशव तिवारी, मोहित शुक्ला, अटल तिवारी, राहुल प्रकाश अवस्थी और पंडित विपिन ने विधि विधान से पूजन किया। वहीं हनुमान सेतु मंदिर में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, साथ ही भगवान आशुतोष का विधिवत अभिषेक भी किया। मंदिर के पंडित चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि चंद्रयान 3 को लेकर गुरुकुल के विद्यार्थियों में बहुत ही उत्सुकता है। वे इसकी सफल लैंडिंग के लिए दिल से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस संबंध में पंडित चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया, मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का भी सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य की पूजा कर चंद्रयान के सफल होने की कामना की। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर, कुनेश्वर महादेव, बड़ी काली जी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी चंद्रयान की सफलता के लिए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पीपीएन न्यूज के लिए विशेष संवाददाता नवीन वर्मा की खास रिपोर्ट।